नमस्कार, मैं आशीष कुमार सार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं इस वक्त हजारीबाग में उपस्थित हूँ और हमारे साथ भाजपा जिला संयोजक नीरज कुमार गुप्ता जी हैं। रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। सभी को धन्यवाद। सर, आपने जो पहल कर रहे हैं, अभी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पेड़ पौधा लगवा रहे हैं, आपने 21,000 पौधा का लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें 16,000 लग चुका है और 5,000 लगाना और बाकी है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे हजारीबाग में जो मेरे द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो है जिला कमेटी के द्वारा 21,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया था एक महीना पूर्व, जिसमें से मेरे द्वारा 16,000 पेड़ 12 प्रखंड में और एक नगर में, नगर निगम क्षेत्र में करीब 5,000 पेड़ लगाया जा चुका है, जिसमें आपका सरकारी स्कूल है, मंदिर है, तालाब है, जिस रोड में पेड़ कट चुका उस पेड़ में मेरा लगाने का कार्य चल रहा है। अब प्रखंड वाइज देखिएगा तो बिशुनगढ़ प्रखंड, टाटीझरिया प्रखंड, बरी प्रखंड, परमा प्रखंड, दाढ़ी प्रखंड, बड़कागांव प्रखंड, केरेडारी प्रखंड, इस तरह 12 प्रखंड में लग चुका है, 5 प्रखंड बचा हुआ है मेरा, जिसमें से 1,000 पेड़ हमको देना है। ये मेरा संकल्प एक सप्ताह के भीतर जो है पूरा हो जाएगा। आज आपका सावन का पवित्र महीना पहला सोमवार है। मैं पूरे झारखंड वासियों को जो है सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज के दिन मैं सोमवारी के दिन प्रत्येक मंदिर में एक एक बेल का पेड़ जो है लगाने का काम चल रहा है, जो मेरा शाम को 5 बजे समापन होगा। सर, आपने एक बहुत बड़ा आपने चैलेंज दे दिया हजारीबाग को, सांसद विधायक हो जो अब तक ले कुछ नहीं कर पाया, वो काम आपने उठाना है और वो काम है राम मंदिर हजारीबाग में बनाना। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मायने रख रहा है और हजारीबाग क्षेत्र में आपका चर्चा का विषय बन रहा है। जैसे राम मंदिर बनाना ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ये एक तरह का जो है आस्था है सनातन धर्म के अनुसार। ठीक है, मेरा एक आस्था है। हम लोग दो भाई थे, मेरा छोटा भाई जो है 1.5 साल पूर्व एक्सपायर कर गया, उसका जो है माने एक याद में, और मैं कुछ दिन पूर्व राम मंदिर का दर्शन करने गया था, अयोध्या, वृंदावन, काशी, विंध्याचल। तो मेरा आज से नहीं, ये 10 साल पुराना मेरा सपना है, क्योंकि अयोध्या में अगर राम भक्त थे तो उससे ज़्यादा राम भक्त आपके हजारीबाग में है। यहाँ का रामनवमी जो है इंटरनेशनल रामनवमी होता है, ओरिजिनल राम भक्त थे तो हजारीबाग में। इस भक्ति भाव को देखते हुए मेरा 10 साल पहले ये सपना आया कि हमको एक राम मंदिर ऐसा झारखंड में बनाना है, तो पूरे झारखंड के लोग उसे जो है सार्वजनिक स्थल और श्री राम भगवान को दर्शन करने के लिए जो है उमड़े भीड़। मेरा भले 2 साल लगे या 4 साल लगे, मैं बहुत जल्द 1 से 2 महीना में भूमि पूजन राम मंदिर का करूंगा। मीडिया बंधु को पता चल जाएगा कि मेरा राम मंदिर कहाँ बनेगा, अब भव्य बनेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि राम भगवान का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसी का छोटा रूप हजारीबाग में राम मंदिर को देखना है। अब पूरे झारखंड में देखने दिखाने लायक मेरा राम मंदिर रह गया। अगर मैं जीवित रहूंगा तो मैं अपना जो है पर्सनल फंड से राम मंदिर का निर्माण करूंगा, सिर्फ हजारीबाग वासियों से उनका आशीर्वाद, इसने प्यार किया। सर, क्या आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर हम हजारीबाग में बनाएंगे? हाँ, ये मेरा शुरू से जब हमको होश आया और यहाँ का रामनवमी में जब हम सम्मिलित हुए अपने धर्म के बारे में जाने, तो एक इच्छा जाहिर हुआ कि हजारीबाग में एक राम मंदिर का जो है निर्माण सनातन धर्म के लिए जो है बहुत जरूरी है। अरे, हमारे भाजपा जिला संयोजक नीरज कुमार गुप्ता जी हैं और किस तरह से इन्होंने हजारीबाग में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया है और बहुत जल्द ये हजारीबाग में देखने को मिलेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं आशीष कुमार साह, रफ्तार मीडिया हजारीबाग।